कुछ विलेजेस में तो इतने बड़े बड़े टैबूज है कि उस दिन उन 5 दिनों के लिए लड़की को अलग ही रख देते थे, नहाना नहीं है, दबोना नहीं है. सो ऑल आर मिथ्स. दिस इज अ नेचुरल फिनोमेनन ऑफ द बॉडी. योर बॉडी इज गेटिंग मैच्योर टू रिप्रोड्यूस एंड दिस इज अ हेल्दी फिनोमेना, साइकोलॉजिकल फिजिकल चेंज ऑफ द बॉडी विच यू शुड अडैप्ट इन अ हेल्दी वे. और कोई आपके अचार खाने से, कोई आपके टेम्पल जाने के लिए, इट्स नॉट अ totally myth. We should come out of all these myths. टैम्पॉन्स आने लगे हैं और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे हैं. सो आर दिस सेम? लुक, आई ऑलवेज सजेस्ट माई पेशेंट, बिकॉज दीज आर फॉरन बॉडीज, इधर दे आर टैम्पॉन्स और नाउ डेज वी आर हैविंग वेरी सेफ सिलिकॉन मेंस्ट्रुअल कप्स विच आर इजीली अवेलेबल ऑनलाइन एंड इन द मार्केट. एंड ऑल्सो पीरियड अंडरवियर, पीरियड पैंट इज देयर मेनली फॉर हाइजीन, दैट यू कैन यूज इट एंड यू कैन डिस्कार्ड इट और यू कैन रीयूज ओनली ड्यूरिंग दम टाइम्स आफ्टर स्टरलाइजिंग द यूटीज. So mainly what is scientific opinion, what are the scientific evidence, till you have one pregnancy, any kind of foreign body, or till you are sexual, till you are not sexually active, vagina is a sterile area, sterile organ, and you are less prone to infection. So any kind of foreign body, menstrual cup or tampons, not to be used by unmarried or females who are not sexually active. After that you can easily do. And they are fine. They are fine, but you should know the proper way of application and how to remove it. Okay. And because sometimes patient comes to us, ki main menstrual cup lagaya tha. Now, because it has a suction effect. So she was not able to take it out. Okay. So she came to me, ma'am, how to do it. Okay. So you should, before you start using all these things, these are very safe and fancy things also. Mm-hmm. But according to your requirement, you should use it and with proper knowledge of application. Okay. And ma'am, agar periods ko lekar bahut sare apne myths or misconception aap daily life mein dekhte ho, yeah, yeah. To wo bich humne kya address kare? Definitely, whenever I take a talk on menstrual hygiene, I always educate all the school girls. Because jab hum chote hote the, when I was not a doctor, but we were used to take, but elders, our dadi, nani were used to tell us, अचार नहीं खाना, मंदिर नहीं जाना. कुछ विलेजेस में तो इतने बड़े बड़े टैबूज है कि उस दिन उन 5 दिनों के लिए लड़की को अलग ही रख देते थे, नहाना नहीं है, दबोना नहीं है. सो ऑल आर मिथ्स. दिस इज अ नेचुरल फिनोमेनन ऑफ द बॉडी. योर बॉडी इज गेटिंग मैच्योर टू रिप्रोड्यूस एंड दिस इज अ हेल्दी फिनोमेना, साइकोलॉजिकल फिजिकल चेंज ऑफ द बॉडी विच यू शुड अडैप्ट इन अ हेल्दी वे. और कोई आपके अचार खाने से, कोई आपके टेम्पल जाने के लिए, इट्स नॉट अ टोटली मिथ. वी शुड कम आउट ऑफ ऑल दीज मिथ्स. ओके. तो अगर आपने ऐसा सुना है कि मंदिर नहीं जाना है या फिर अचार नहीं खाना है, अचार पर हाथ भी नहीं लगाना है, हाँ, वो खराब हो जाएगा. या सो इट इज टोटली दीज आर टैबूज. आई डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग्स एंड आई ऑलवेज मेक देम अवेयर कि दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. ओके. एंड मैम, जैसे हमारा स्ट्रेस और हमारी जो रोज की एक लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं और जैसे वेट मैनेजमेंट है, ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करता है, जैसे आपने बताया ही. लेकिन जब ये पीरियड्स चल रहे होते हैं तो कहते हैं कि लड़कियों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं. नहीं, उससे पहले ज्यादा. ओके. हाँ, तो पीरियड आने से पहले मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं बिकॉज हार्मोनल चेंज है. तो ये दीज आर कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स. मूड स्विंग्स, हेडेक, डिप्रेशन, रोने को मन करता है, चॉकलेट खाने को मन करता है, यू फील ब्लोटेड, यू फील ब्रेस्ट हेविनेस, ऑल दीज आर फिजियोलॉजिकल साइंस. ओके. एंड दे आर फाइन अगर आपको ऐसा मन करता है. नहीं नहीं, उसको कम रखना है हमें. ओके. वी नीड टू बी फिजिकली एक्टिव. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. दिस इज कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम. एंड इफ द सिवियरिटी इज मोर, देन फाइंड आउट द रीजन वेयर यू आर लैगिंग. बिकॉज स्टडीज हैव शोन दीज सिम्टम्स आर मोर इन द पेशेंट्स दोज हु आर फिजिकली लेस एक्टिव. And those who are having irregular cycle or sleep cycle, and as well as your diet. Okay. And ma'am, अगर बात करें periods में hygiene की, so कितनी important है और हमें क्या-क्या करना चाहिए? देखो, once you start getting periods, it's a blood. Blood is a source of infection. So regular change of pad is required every 4 to 6 hours, even if it is not dirty, if it is not totally soaked. You should not use pad more than 6 months because that will invite infections. Okay.
bacterial fungal infections initially they'll be on skin side and then they can send up, which may affect uterus and further tubes as well, which is called pelvic inflammatory disease. Okay. So local hygiene is the first, definitely first. And then just the market mein intimate wash wagera aane lage, so are they beneficial? During periods, definitely they are, because you are that is required. But my personal opinion is, if you're using it on regular basis, then our skin has a certain group of bacteria, healthy bacteria, which are required to prevent infection. Otherwise, those bacteria will be washed away if you're using it on regular basis. Okay, so regular basis per not required, once a week or during periods, it is good. Okay, ma'am. And अभी जो मैं question देने वाली हूँ, ये बहुत सारे लोगों का question है, and I want to ask कि during periods sex करना safe है? देखो, nothing is contraindicated, but with precautions, you should use condoms so that you should not catch infection, because as I told you earlier, blood is a source of infection, a very good media for infection to flare up. Okay. So if you want to have a relationship, please use due precautions. Okay. वैसे it's safe. Yeah. Okay. और जैसे बहुत सारी लड़कियों को बहुत heavy bleeding होती है, so इसका कोई main reason है या फिर it's very normal? Initially, when there is onset of period, as I told you, the logical control आने में takes 4 to 5 years. Initial cycles could be on heavier side, but that should not last more than 7 days. But if they are lasting more than 7 days, or you are using 3 to 4 pads every 2 hours, that is not a normal. Okay. Any blood loss more than 80 to 100 ml during periods is a normal. Okay. And you should get yourself evaluated. What is the cause of it? Okay. और अगर ऐसा होता है तो gynecologist से आपको बात करनी चाहिए. Okay. मैम, टू कंक्लूड दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू, एंड आई थिंक कि हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई होगी इस इंटरव्यू के साथ ही, मैं जानना आपसे चाहूँगी कि हमारी जो ऑडियंस है उनको आप कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे कुछ एडवाइस दीजिए जो इस पेन से गुजर रही है, उनको थोड़ी हिम्मत मिले. देखो, पेन को हमने खुद ही बढ़ाया है, उसको कम करने का तरीका भी हमारे हाथ में. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अपना, एज आई टोल्ड यू, अपना एक्टिविटी लेवल अच्छा रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, स्लीप पैटर्न ठीक रखो, डाइट अच्छी रखो, अलॉन्ग विद दैट, इफ यू आर हैविंग स्टिल यू आर हैविंग पेन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन मेडिकेशन इज अ हेल्प. देयर आर टोटली मिथ्स कि दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर फर्टिलिटी, दैट विल अफेक्ट योर रिप्रोडक्टिव करियर, दैट इट इज नॉट लाइक दैट. इफ यू आर हैविंग सीवियर पेन, आजकल की लड़की को हम बोले कि पेन के साथ घर बैठ जाए, नहीं बैठ सकते, स्कूल भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, फील्ड वर्क भी जरूरी है, तो पेन किलर इज नॉट गोइंग टू हैम्पर योर क्वालिटी ऑफ लाइफ और योर फर्टिलिटी करियर. ओके. सो अगर पेन होता है तो पेन किलर ले सकते हैं? डेफिनेटली. एट टाइम वी डू हैव गुड क्वालिटी ऑफ मेडिसिंस व्हिच आर क्वाइट सेफ, एंड दीस मेडिसिंस आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द पीरियड्स. द डे यू गेट, द मोमेंट यू कम टू नो दैट यू आर हैविंग पीरियड, स्टार्ट द मेडिसिन एंड रिपीट इट 6 to 8 आवर्स इफ यू रिक्वायर, एंड यू कैन सेफली टेक इट फॉर 3 to 5 डेज. ओके मैम, वैसे तो मैं एक और क्वेश्चन, मतलब मेरे माइंड में आ गया है कि जैसे पेन होता है तो आपने जैसे बताया कि दवाई ले सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, और हॉट बैग भी लोग यूज करते हैं, ले सकते हैं. इसके साथ साथ और क्या करते हैं, कर सकते हैं जिससे कि पेन में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? यू कैन डाइवर्ट योर माइंड. ओके. कुछ जो भी आपकी अच्छी, आपको अच्छी चीज लगती है, बिकॉज क्या होता है ना, हमें अपने आप को फील गुड वाली फीलिंग लानी है. जिस दिन पीरियड शुरू होता है, एवरी फीमेल हैज अ सेंसेशन कि दुनिया में सब खत्म है, कुछ नहीं करना है इसके बाद. तो एलिवेट योर मूड, डू द थिंग्स, म्यूजिक अच्छा सुनो, डांस कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, अच्छा खाने को ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है. सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन ऐड, बट स्टिल इफ आफ्टर डूइंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, आफ्टर टेकिंग पेन किलर्स, योर पेन इज नॉट बीइंग रिलीव्ड, please evaluate. We need to rule out other severe causes for which you require regular medicine, and it is quite treatable cause. Okay, तो अगर ऐसी कोई भी problem होती है या फिर अगर बहुत सारा दर्द होता है तो please contact your gynecologist, and thank you so much, ma'am, for this interview. Thank you.